उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हुआ। भगवान सूर्य को सुबह अर्घ्य देने के साथ व्रतियों ने अपना व्रत पूरा कर सपरिवार की खुशहाली की कामना की। पूर्वांचल समाज के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी छठ महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि लाल कुआं में छठ पूजा समिति समेत नगर के आधा दर्जन क्षेत्रों में छठ महोत्सव के भव्य आयोजन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने छठ मैया की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं रविवार को देर शाम महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करने का पश्चात व्रत रखा, जिसके बाद सुबह भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दिया गया। उसके बाद केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की बधाई दी और कहा कि छठ महापर्व श्रद्धा भक्ति और आस्था का पर्व होने के साथ ही आपसी भाईचारे का भी और सौहार्द का भी संगम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूर्य के कई तरह के बहुत फायदे होते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने भी माना है। सूर्य की धूप में कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। वहीं भक्ति और आस्था का पर्व छठ पूजा हमें जीवन में उल्लास और धैर्यवान बनने की प्रेरणा देता है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने पवित्र दिन पर मैं आज अपने लोगों के बीच में हूँ और मुझे छठी माता को और सूर्य भगवान जी को पूजन करने का अवसर मिला, अर्घ देने का अवसर मिला कई जगहों पर। इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती है। सूर्य देव साक्षात भगवान हैं, जिनको हम दृश्यमान कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अभी सुबह उदय होंगे, थोड़ी देर पहले अस्तांचल को गए हैं।